नमस्कार निश्चल वास्तु में आपका स्वागत है। और फरवरी 2022 की प्रिडिक्शन फरवरी मंथ की मैं लेके आई हूँ। जनवरी की मैं नहीं कर पाई थी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और अभी आज स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का प्रिडिक्शन फॉर ऑल जॉडियक साइंस। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज आपके लिए मुझे इस महीने थोड़े से डिले दिख रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, आपको उसे हैंडल करना है। आपको लगेगा कि आप काफ़ी टफ फेज से गुजर रहे हैं और आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, न्यू प्रोस्पेक्टिव लेके आने हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है। थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन दिख रही है, थोड़ा सा लगेगा कि सिचुएशन में ट्रैप हो गया हूँ या हो गई हूँ। आप दूसरों को भी सुनिए जो आपको बोल रहे हैं, अगर कुछ समझाना चाह रहे हैं तो आप उनको सुनिए। रैश डिसीजन मत लीजिए क्योंकि ये आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। फेलियर जो अभी फेस करना पड़ रहा है, सभी की लाइफ में फेलियर आता है और आगे जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं क्योंकि फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है लाइफ में। आपको अपने फेलियर से सीखना है और आगे बढ़ना है पॉजिटिव नोट के साथ। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सो चिंता नहीं करनी है। आप अपने आप को सरेंडर कीजिए भगवान, सरेंडर टू गॉड, और फिर अपने टास्क परफॉर्म कीजिए। मेरी एडवाइस इस मंथ के लिए ये है कि हैव पेशेंस एंड हैव फेथ, थिंग्स विल गेट क्लियर विद टाइम। तो आपको थोड़ा सा अपना मंथ का यूटिलाइजेशन संभल के करना है। टॉरस, टॉरस जो आगे आने वाली लाइफ है वो कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। वैसे लाइफ कंट्रोल में होती नहीं है, चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है कई बार सिचुएशंस पे। आपकी लाइफ में इस मंथ न्यू सिचुएशंस आएंगी। आपको हो सकता है कि कुछ सोच आपकी चेंज हो, कुछ आपकी जो पुरानी सोच हो वो बदले और एक नई सोच आपके अंदर आए। आप अपने सोचने का तरीका बदल देंगे और उससे लाइफ को देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखेंगी आपको। आपने अपना थिंकिंग का जो ओल्ड पैटर्न है उसको आप ब्रेक कीजिए और न्यू स्टार्ट कीजिए। अपने आप को संभाल के चलते हुए और ऊपर वाले पे विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो आपका वो इंतज़ार भी पूरा हो जाएगा। जो न्यूज़ आप सोच रहे थे कि आनी है वो न्यूज़ भी आपको मिलेगी। आप अपने अंदर की आवाज़ भी सुनिए और फॉलो कीजिए। जो आपकी पास्ट लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशान करें, मगर आपने वाइज डिसीजन लेने हैं और आगे बढ़ना है। मेरी एडवाइस ये है कि अपने पास्ट को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। पास्ट के साथ इतना अपने आप को बांध के रखना ठीक नहीं होता है। लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है और हम लोगों को सबको आगे बढ़ना चाहिए। जेमिनाई मिथुन राशि, आप सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिले दिख रहा है मुझे सक्सेस मिलने में। थोड़ी प्रोग्रेस, जो जितना फास्ट आप चाह रहे हैं उतनी फास्ट प्रोग्रेस आपको मिलती दिख नहीं रही है। आपको थोड़ा सा डायरेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, थोड़ा सा लैक ऑफ डायरेक्शन दिख रहा है मुझे। और मोटिवेशनल जो सपोर्ट होता है वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। कई बार हमें अगर मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है तो हम चीज़ें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। और हर किसी को मोटिवेट करना चाहिए लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों को भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट दूसरों को करें और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ें। कुछ सडन लॉसेस दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा डाउनफॉल है, थोड़े अगर आपका डिमोशन भी पॉसिबल है। और क्लैरिटी इस वक्त आपके अंदर मुझे नहीं दिख रही है, तो कोई डिसीजन मत लीजिएगा इस महीने। थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट इन द सेंस सेंस वेट फॉर गुड टाइम एंड देन मूव अहेड। अभी जो मेरी एडवाइस है वो है कि आपने नए ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन ये राय मेरी तरफ से आपके लिए है। कैंसर, आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है,
मतलब पैशनेट रहने वाले हैं, काम को लेके बड़े एनर्जेटिक पैशनेट दिखेंगे, थोड़े एडवेंचरस भी हो सकते हैं, एक्साइटिंग हैं, अनस्टॉपेबल हैं, कि कोई आपको इस वक्त रोके तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप रुकना चाहिए भी नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे विक्ट्री और सक्सेस आपके लिए दिख रही है। स्ट्रांग विल पावर है आप में, फास्ट एक्शंस आप लेंगे, और आपकी इस महीने मुझे जो चांसेस दिख रहे हैं, अराइवल ऑफ न्यू न्यू थिंग और न्यू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू योर वर्क और कैरियर, ये चीज़ें मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं जो मुझे डिवाइन कार्ड्स ने दिए हैं, तो आप अपनी लाइफ में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जो एक्शन जो आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, भाग रहे हैं एकदम, थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ भागने से भी हम गिरते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा चीज़ों को। चीज़ें अच्छी हैं, बुरी नहीं हैं, लेकिन मैनेज आराम से कीजिएगा। अभी ये जो सिचुएशन है, मेरी एडवाइस है कि आपने उसको अपना फुल अनडिवाइडेड फोकस देना है और आपने लाइफ में सोच समझ के एक्शन ले लेना है, तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। उसके बाद में हम आते हैं लियो। लियो मुझे आपके लिए दिखता है कि थोड़ा सा ब्लॉकेजेस, जैसे कहीं अटक गए हैं, थोड़ा सा हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन से मगर निकल नहीं पा रहे हैं, नेगेटिविटी आई हुई है सोच में, टू मच नेगेटिविटी आपके थॉट्स में जो है वो आपको ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस दे रही है। फिजिकल ब्लॉकेज तो है ही है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग मेंटल ब्लॉकेजेस भी आपको दे रही है। कुछ जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको आप लेट गो करना चाहें तो प्लीज़ आप कोशिश ज़रूर करिएगा। ब्लैक मैजिक, कई लोगों को होता है कि हम पे किसी ने ईवल कुछ कर दिया है, तो आपके इसमें मुझे दिखता है, इसको हम नज़र दोष भी बोलते हैं, कि बहुत जल्दी नज़र लग जाना, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी है। आपको किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन फील होगी, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अगर आपको किसी चीज़ की फील होती है तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। आपने इस मंथ में अपने आप को फ्री करना है टेम्पटेशन से, किसी भी चीज़ की अगर टेम्पटेशन हो रही है तो आप कंट्रोल कीजिए अपने आप को, किसी भी तरह की ग्रीड, अब लालच से भी बचिएगा, फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो जो भी काम करें वो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि सिचुएशंस अभी आपके फेवर में ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। वर्गो, आप के लिए डोमिनेटिंग रहने वाले हैं इस मंथ, मैनिपुलेटिव रहेंगे, अपनी चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे, सेल्फिश रहने वाले हैं आप। काम में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि दिल और दिमाग को मैनेज करके चलना चाहिए तो चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर इस मंथ आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करेंगे काम को करने के लिए, थोड़ी सी ईगो भी रहेगी, ईगो होनी भी चाहिए मगर बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ी होनी चाहिए, मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं करना है आपने, दूसरे लोगों की एडवांटेज, कई लोग होते हैं कि दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि दूसरे के सिर पे सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना, तो उसको भी थोड़ा सा देख के चलिएगा। अपने फ्यूचर को लेके आप अनसर्टन है अभी, और क्लैरिटी भी इतनी मुझे नहीं दिख रही है, तो अगर आपको जो सक्सेस मिला है उसको आप अपने कहते हैं ना कि सक्सेस को सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा, जमीन पर रह के अपना काम कीजिएगा, आपको अपने दिल की भी सुननी है, सिर्फ दिमाग के सुन के आगे मत बढ़िएगा, आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं और आपका ये मंथ अच्छा है, और इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा दिल और दिमाग दोनों के साथ। लिब्रा, आपके लिए थोड़ा सा कुछ पुराने टाइम की मेमोरीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, आपको हर एक इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा होता है, और कई बार हम उसी से थोड़ा कटते हैं अपने आप को मैच्योर दिखाने के लिए, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम उस मतलब वी आर वेरी सेंसिबल पर्सन, और सेंसिबल सब होते हैं, मगर बच्चे को अपने अंदर जो बच्चा है उसको कभी खोना नहीं चाहिए, और
वहीं से आपका कनेक्शन लॉस्ट होता है अपने आप के साथ। ओवर स्ट्रेस रहने वाले हैं, थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत लगेंगी कि मेरे पे बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। अगर कोई मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है तो डिवोर्स के चांसेस हैं, ब्रेकअप रिलेशनशिप में पॉसिबल है, हो सकता है। चीज़ों को अगर संभाल के मैनेज कर सकें तो ज़रूर करिएगा। पास्ट लाइफ के जो इशू हैं वो आ सकते हैं आपके सामने, आपका जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से आपकी ट्रबल में आ सकती है। तो कई लोगों के लिए ये होता है कि कई लोग न्यू रिलेशनशिप में होते हैं या न्यू शादी जब होती है तो वो लोग स्टिल अपने पास्ट या एक्स के बारे में सोचते रहते हैं। तो आप अपने पास्ट से बाहर आइए और प्रेजेंट के साथ जिए तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और यही एक टाइम है, मेरी एडवाइस ये है कि अपने जो अंदर के बच्चे के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, वो आपको पॉजिटिविटी देगा और हैप्पी लाइफ, हैप्पी मोमेंट्स देगा। तो ज़रूर उसको जगाइए अपने अंदर और लाइफ को एंजॉय कीजिए। स्कॉर्पियो, आपकी लाइफ के अंदर इस महीने बहुत फास्ट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं और वो पॉजिटिव नोट पे ही बदल रही हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिजनेस में भी अच्छा प्रोस्पेक्टिव शो हो रहा है मुझे, बिजी रहने वाले हैं इन गुड मैनर, रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं मुझे, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यूज़ कीजिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा। फेवरेबल न्यूज़ मिल सकती है आपको और इस वक्त जो डेस्टिनी है वो आपको फेवर कर रही है, तो एंजॉय कीजिए। मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि ऑल डिलेज आर ओवर नाउ एंड नाउ स्काई इज द लिमिट, सो एंजॉय दिस मंथ। सैजिटेरियस, आपके लिए आपकी विल पावर इस महीने काफ़ी, मुझे विल पावर स्ट्रांग ही रखनी चाहिए, मगर इस महीने आपकी विल पावर काफ़ी अच्छा आपको साथ देने वाली है। विक्ट्री है, सक्सेस आपकी दिखती है मुझे। हार्डवर्क करना ज़रूरी है, लेकिन हार्डवर्क करने पर ही सक्सेस आपको मिलेगा। बहुत फोकस रहने वाले हैं, फोकस अपना रह के जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। जर्नी दिख रही है मुझे, कहीं जा सकते हैं आप, ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपनी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उनको आप आराम से कोप अप कर पाएंगे और आपकी जो विक्ट्री आपको उसके बाद मिलेगी, जो आपने हार्डवर्क किया है उसके बाद जो विक्ट्री होगी उसका आनंद कुछ और ही होता है। और आपके अंदर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की भी वो उसकी तरफ आपका जो ध्यान है वो जाएगा और ये अच्छी बात है। ये इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप डार्क से लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपके लिए मेरी एडवाइस ये है कि टेक चार्ज एंड लीड, डोंट फॉलो। अब आते हैं हम कैप्रिकॉन पे, मकर राशि। इस महीने आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है, अचीवमेंट आपको मिल सकती है, फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेज, ड्रीम्स आर देयर, सेलिब्रेशन है, किसी की मैरिज अगर तय होनी है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं, सक्सेस दिख रहा है आपका। मुझे कुछ ऐसा मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है जिसके लिए आपने बड़े लंबे टाइम से मेहनत की है। चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो सकती हैं, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, आप आगे बढ़िए। हैप्पीनेस है, जॉय है, तो इस महीने आपके लिए ऊपर वाला खुशियों की सौगात लेके आया है, उसको एंजॉय कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ नई आ रही हैं, नई मिलेंगी, उनको ग्रैब कीजिए, उनको छोड़िएगा मत। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आप थोड़े से ज़िद्दी रहने वाले हैं इस महीने, थोड़ा सा चेंज नहीं चाह रहे हैं कि मैं चेंज करूं, लेकिन चेंज दिख रहा है जो कि ऐसा चेंज है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। ब्रेकअप के चांसेस हैं, कुछ
सिचुएशन ऐसी रहने वाली है जहाँ पे आप थोड़ा सा दुख महसूस करें, पेनफुल सिचुएशन रहे थोड़ी सी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा इस महीने। आप ने भी अपनी पास्ट मेमोरीज से बाहर आना है, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं। आप पास्ट में जिएंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, अभी प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर को प्लान करें। मेरी एडवाइस ये है कि लीव द पास्ट बिहाइंड एंड मूव अहेड। पाइसियस, आप इस महीने, आपको पैसों की मुझे कोई तंगी या कमी नहीं दिख रही है, आप बहुत समझदारी के साथ अपने फाइनेंसेस हैंडल करेंगे, अथॉरिटी आपके पास रहेगी, सिक्योरिटी, वेल्थ अच्छी है तो सिक्योरिटी अपने आप अच्छी हो जाती है। आप एक गुड लीडर रह सकते हैं, अपनी टीम को लीड करेंगे बहुत अच्छे से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली के प्रति प्रोटेक्टिव रहेंगे, फर्टिलिटी के चांसेस हैं, प्रोस्पैरिटी मुझे दिख रही है। आपका ये मंथ बहुत अच्छा है, इसको एंजॉय कीजिए। मेरी एडवाइस ये है कि गो फॉर द गोल राइट टाइम अहेड। तो इसी के साथ ये 12 महीने की प्रिडिक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। मार्च के महीने की प्रिडिक्शन लेके मैं फिर से आऊँगी। मेरी सीरीज मीनिंग ऑफ ड्रीम्स चल रही है, तो ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स भी आप दीजिएगा। थैंक यू सो मच।